पिशावर के इलाके सब डिवीजन हसन खेल में ख्वारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई, 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। पिशावर के इलाके सब डिवीजन हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिज की मौजूदगी की खुफिया इतलात पर इंतहाई कामयाब ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की खुफिया कमीनगाह पर हमला करके इसे सफ़े हस्ती से मिटा दिया और जदीद असलहे, बारूद और मवासलाती आलात का बड़ा जखीरा बरामद कर लिया। शदीद फायरिंग के तबादला में सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सरगना अनस समेत 5 दहशतगर्दों को मौत के घाट उतार कर धरती को इनके नापाक वजूद से पाक कर दिया। पाक फौज के जवानों ने जब दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने का घेराव किया तो बुजदिल दुश्मन ने फरार की कोशिश की, ताहम बहादुर जवानों ने दुश्वार गुजार घने जंगलात में भी इनका पीछा करते हुए वतन अजीज के इन दुश्मनों को इनके इरादों समेत खाक में मिला दिया। दहशतगर्दों के साथ दो बदो लड़ाई में दुश्मन का जाँ फिशानी से मुकाबला करते हुए पाक फौज के दो बहादुर सपूत कैप्टन हुसैन और हवलदार शफीकुल्ला ने जामे शहादत नोश किया और अपने लहू से धरती को सैराब कर गए। शहदा की नमाज जनाजा पेशावर में अदा की गई, जिसमें कोर कमांडर 11 कोर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी और अस्करी और सिविल अफसरान और अवाम ने शिरकत की। इस मौके पर इस अहद का अदा किया गया कि सिक्योरिटी फोर्सेज अवामी तावन से हर हाल में इस फितने ख्वारिज का खात्मा करके दम लेंगी। वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और पाक फौज की आला क्यादत ने वतन के खातिर जान का नजराना पेश करने वाले बहादुर सपूत को खराज तहसीन पेश किया। ख्वारिज और इनके सहूलतकारों को ये बात याद रखनी चाहिए कि जवानों की शहादत और कुर्बानियों से अवाम और अफवाज पाकिस्तान के हौसले बुलंद होते हैं। तरह के हजार बेटे होते ना, मैं वो भी कुर्बान कर देता अपने वतन पे। और वो दिन दूर नहीं जब सरजमीन पाकिस्तान से ख्वारिज के इस फितने का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर दिया जाएगा।